सभी भाइयों को राम राम और सभी माता और बहनों को मेरा दिल से प्रणाम। दोस्तों, अपना और अपने माता पिता का ध्यान रखें, उनकी सेवा करें और उनको खुश रखें। तो आज जैसा कि मैं द्वारका सेक्टर 3 सोसाइटी के अंदर आया हूं दोस्तों, और आज मैं आपको एक अपार्टमेंट दिखाने वाला हूं द्वारका सेक्टर 3 के अंदर, बिल्डर फ्लोर अपार्टमेंट। ये अपार्टमेंट दोस्तों बहुत ही खूबसूरत है, और मेरे जितने भाई जो एक इंडिपेंडेंट अपार्टमेंट के अंदर एक फ्लैट लेना चाहते हैं, तो आज का ये ऑप्शन आपके लिए बहुत खास होने वाला है। दोस्तों, ये जो अपार्टमेंट है ये बहुत ही आलीशान बना है, लग्जरी बना है और प्रीमियम बना है, और द्वारका सेक्टर 3 यानी दिल्ली पब्लिक स्कूल से हमारे अपार्टमेंट की दूरी सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर की है। तो गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, जितने मेरे भाई जो अपार्टमेंट में एक बढ़िया फ्लैट लेना चाहते हैं और बड़ा फ्लैट लेना चाहते हैं। इसका साइज आपको मैं बता देता हूं, 125 गज का ये 3 BHK अपार्टमेंट मैं आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों। तो अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, और हमारी वीडियो को लाइक शेयर और प्यार करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलते हैं दोस्तों, हमारे इस फ्लैट पर आइए। मतलबी हो जा जरा, मतलबी दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। मतलबी हो जा जरा, मतलबी दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस बहुत ही बड़े और प्रीमियम फ्लैट के अंदर। 3 BHK का फ्लैट आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपकी डिमांड पर, सोसाइटी फ्लैट। दोस्तों, जैसे ही हम लिविंग एरिया में आते हैं तो ये एक बहुत ही प्यारा हमारा लिविंग एरिया स्टार्ट हो जाता है। फ्लैट में एंटर होते ही स्टार्टिंग में हमारा लिविंग एरिया आता है, और इस लिविंग एरिया का साइज बहुत ही बड़ा है, जहाँ पर आप अपना सोफा सेट भी लगा सकते हैं, साथ में आप अपनी डाइनिंग टेबल भी लगा सकते हैं बिल्कुल किचन के सामने। ये बड़ा लिविंग एरिया, इसका साइज मैं आपको बता देता हूँ, लगभग 18x12 का ये लिविंग एरिया है दोस्तों। एक बड़ा साइज आपको मिलता है और एक प्रीमियम वर्क के साथ। एक बार नजर मारिए इसकी फॉल सीलिंग और इसकी पूरी की पूरी वॉल, जो हमने आपके लिए बहुत ही प्यारे तरीके से रेडी करी है दोस्तों। इसका वर्क रियलिटी में बहुत ही प्यारा वर्क किया है। अगर मैं इसके वॉलपेपर की बात करूं, स्प्लिट एसी की फिटिंग या वॉल के ऊपर लकड़ी का बहुत शानदार काम हम आपको करके दे रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक और खूबसूरत चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हमारी फॉल सीलिंग बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत प्रीमियम फॉल सीलिंग रेडी करी है आपके लिए। और दोस्तों, टाइल्स की अगर हम बात करें फ्लोरिंग की, तो 2x4 की बहुत ही प्यारी ब्राउन शेड के अंदर टाइल्स हम आपको लगा कर दे रहे हैं, और एक पार्ट हो जाता है अब हमारा, जैसे आप सोफा लगाते हैं, सोफे के बाद एक पोर्शन हमारा ये आता है जहां पर आप टीवी पैनल अपना लगा सकते हैं। ये टीवी पैनल हम आपको दे रहे हैं, यहाँ पर आपकी लगभग बड़ी 55 इंच की LED आप इजीली यहाँ इंस्टॉल कर सकते हो, और ये आप डिजाइन देख सकते हो बहुत ही सुंदर तरीके से। एक डिसेंट वर्क के साथ आपको ये फ्लैट मिलता है, 125 गज, 3 BHK, फ्रंट साइड इंडिपेंडेंट और विवांता सोसाइटी के अंदर ये प्रॉपर्टी हम आपको दे रहे हैं। तो गाइज, ये हमारा खूबसूरत लिविंग एरिया हो गया। अब चलते हैं हमारी बड़ी सी किचन और खुली डुली किचन में। दोस्तों, ये किचन का एंट्रेंस है, आप देख सकते हैं ये एक पार्टीशन हमने लगाया है, जहाँ पर आप अपने डेकोरेटिव आइटम्स यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो, और ये किचन हमारी स्टार्ट हो जाती है। ये आपका फ्रिज का स्पेस हो गया, और ये यू शेप के अंदर आप देखें तो बहुत ही प्यारी किचन, मेरी सभी बहनों और मेरी माताओं के लिए जो एक बड़ी और खुली डुली किचन का देखने का वेट कर रही थी, तो ये किचन आप लोगों के लिए। इसके नीचे कुछ बॉक्सेस हैं, ये देखिए दोस्तों, स्पेस बहुत है, अच्छा खासा स्पेस आपको मिलता है, और ऊपर आप देख सकते हैं, मतलब स्टोरेज की कोई दिक्कत नहीं है, जितना मर्जी सामान आप इस किचन के अंदर डाल सकते हैं। किचन बहुत बड़ी है, खुली डुली है, साथ में किचन में वेंटिलेशन का प्रॉपर स्कोप दे रखा है, एक विंडो हमने लगाई हुई है, आप नजर मार सकते हैं।
दोस्तों ये लॉक हो रखी है। यहाँ पर आपका ये किचन का स्पेस है और ये आपका एक विंडो है, प्रॉपर तरीके से क्रॉस वेंटिलेशन किचन में मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों चिमनी हम आपको लगा कर दे रहे हैं। तो एक पूरा ओवरव्यू किचन का आप देखिए दोस्तों, बहुत ही बड़ी किचन है। इस फ्लैट के अंदर आपको इतनी बड़ी किचन मिल रही है और ये फ्लैट हमारा विवांता सोसाइटी में बनाया हुआ है, जहाँ से दिल्ली पब्लिक स्कूल और द्वारका की दूरी 100 मीटर से 200 मीटर की है। और ये एक बहुत ही बढ़िया अपार्टमेंट है। इसका ओवरव्यू, बाहर की लोकेशन आपने देखी अभी वीडियो में, बहुत ही सुंदर तरीके से हमने ये फ्लैट भी रेडी किया और ये लोकेशन भी बहुत प्रीमियम है। मेरे वो सारे भाई जो एक बहुत ही बढ़िया फ्लैट, एक बड़ा फ्लैट लेना चाह रहे हैं, एक सोसाइटी के अंदर फ्लैट लेना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन आप एक बार जरूर देखना, बहुत ही प्यारा फ्लैट है। अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ। आइए दोस्तों, ये हमारा पहला बेडरूम है। दोस्तों खूबसूरत तरीके से एक बहुत ही शानदार लग्जरी वर्क इसके अंदर किया है। अगर मैं वॉल की बात करूं, वॉलपेपर और टाइल्स का बहुत ही प्यारा प्रॉपर यूज किया हुआ है। एक प्रीमियम वर्क के साथ ये फ्लैट रेडी किया हुआ है। स्प्लिट एसी की फिटिंग करा कर दे रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों बेडरूम में आपको एक बड़ी कबर्ड मिलती है। ये हमारी एक कबर्ड है दोस्तों, आप नजर मारिए, ये लकड़ी की पूरी अलमीरा है ऊपर तक, और ये एक टीवी पैनल, इसके अलावा ये बॉक्सेस हो गए और स्टोरेज भी ऊपर दी हुई है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये फ्लैट द्वारका सेक्टर 3 विवांता सोसाइटी के अंदर हमने बनाया हुआ है। इंडिपेंडेंट बिल्डिंग है दोस्तों, फ्रंट साइड का फ्लैट है, 125 गज का ये हमारा प्रॉपर एरिया है, कवर्ड एरिया, लिफ्ट और कार पार्किंग की फैसिलिटी हम आपको दे रहे हैं। अब चलते हैं दोस्तों हमारे सेकेंड बेडरूम में। आइए, तो खूबसूरत प्यारा और शानदार बेडरूम दोस्तों, कितनी बड़ी लकड़ी की अलमीरा मिलती है आपको, वॉल टू वॉल ऊपर तक ये अलमीरा आपको बनाकर हम दे रहे हैं। एक बड़ा स्पेस मिलता है अलमारी का, और साथ ही में दोस्तों एक वॉल के ऊपर वॉलपेपर, स्प्लिट एसी की फिटिंग, फॉल सीलिंग का यूनिक डिजाइन हम आपको रेडी करके दे रहे हैं। दोस्तों इस रूम के अंदर नेचुरल लाइट आपको मिल रही है, क्योंकि हमने यहाँ बालकनी से अटैच आपको एक ग्लास का स्लाइडर लगा कर दिया है, यानी आपके रूम के अंदर हमेशा नेचुरल वेंटिलेशन और रोशनी मिलती रहेगी दोस्तों। इसके अलावा एक अटैच वॉशरूम है हमारे इस बेडरूम का, एक बार आप नजर मारिए। दोस्तों एक बहुत ही सुंदर फ्लैट, एक बहुत ही बढ़िया लोकेशन में लेना चाहते हैं तो अभी आप अपने भाई को कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूं एक बार बालकनी का व्यू। दोस्तों बहुत बड़ी बालकनी, और इसे कहते हैं बड़ी बालकनी। जितने भाई जो एक बड़ी बालकनी स्पेस आप लेना चाहते हैं, तो ये अपार्टमेंट आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। और एक बार मैं चाहता हूँ आप गली का एक बार व्यू देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार व्यू है बाहर का, और बहुत ही शानदार फ्रंट एलिवेशन हमारी इस बिल्डिंग का, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा बहुत ही सुंदर फ्लैट है, और इसकी अगर मैं जितनी तारीफ करूं दोस्तों उतनी कम है, क्योंकि इसका फ्रंट एलिवेशन बहुत ही लग्जरी हमने बनाया है। गली के व्यू की बात करूं तो सुंदर और बहुत ही प्यारा व्यू है पूरी गली का, अच्छे खासे पेड़ लगे हुए हैं दोस्तों। सो अब हम चलते हैं हमारे तीसरे बेडरूम की तरफ। दोस्तों ये हमारा तीसरा बेडरूम है, खुला डुल्ला और बहुत बड़ा बेडरूम हम आपको देते हैं, जहां आपको एक और लकड़ी की अलमीरा यहां मिल जाती है, और ये फॉल होगी जहां वॉलपेपर लगा रखा है, ऊपर पूरी फॉल सीलिंग है, तो अच्छा खासा साइज आपको मिलता है दोस्तों। इसके अलावा इस रूम के अंदर प्रॉपर आपको विंडो मिलती है, यहां पर आप 1.5 से 2 टन का एसी इंस्टॉल करा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों इसी बेडरूम के अंदर हम आपको एक बड़ा टीवी पैनल दे रहे हैं, और ये हमारा बालकनी में जाने का अगेन एक और रास्ता। आप देखो एक बार बालकनी का अगेन व्यू, और दोस्तों इस एरिया के अंदर मोस्टली आपको कोठी मिलेगी, बहुत ही बढ़िया सोसाइटी है विवांता सोसाइटी। एक बार बाहर का पूरा व्यू दिखाइए दोस्तों, ये विवांता सोसाइटी है, घर के सामने लगभग 25 से 30 फीट का रोड है और गेट लगा हुआ है। आप इस सोसाइटी में एंटर करेंगे तो एंटर करने से पहले आपको गार्ड मिलेंगे, जहां पर आपको एंट्री करनी पड़ेगी प्रॉपर तरीके से। एक वेल मेंटेन सोसाइटी ये बनी हुई है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ हमारा कॉमन वॉशरूम। दोस्तों ये हमारा कॉमन वॉशरूम है दोस्तों, खूबसूरत 3 BHK का अपार्टमेंट। अगर आप विजिट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप अपने भाई को अभी कॉल या व्हाट्सअप करो और अपनी साइट विजिट बुक कराइए। सो गाइज, इसी तरीके से हमारी वीडियो को लाइक शेयर और प्यार करते रहिए। फिर मिलता हूँ दोस्तों अपनी एक नई वीडियो में, अपने एक नए फ्लैट के साथ। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।